इतना सम्मान अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं? पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा खुदा का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा, और मेरे माँ बाप की दुआ और मेरे चाहने वालों को, मेरे दर्शकों, मेरे दोस्त सबका प्यार, KCF फाउंडेशन का, कृष्णा जी का सबका प्यार है, और सबको थैंक यू कहना चाहूँगा मैं। इसके पहले कोई आपको अवार्ड मिला है या जो आपका एक मेमोरी रहेगा, मतलब जो आपके एकदम दिल के करीब रहेगा, कुछ कोई अवार्ड बता? काफ़ी सारे अवार्ड थे। लास्ट टाइम मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला था और मेरा राजीव गांधी इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था, और सभी अवार्ड मेरे दिल के करीब हैं यार, क्योंकि अवार्ड तो अवार्ड होता है और ये एक अलग खुशी होती है। एक एक्टर जिसको अवार्ड मिलता है उसकी खुशी आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते हो, या जिनको नहीं मिलता है उसके दुख को भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन मैं सबसे यही कहूँगा कि अवार्ड डेफिनेटली आपको मिलेगा, आप ज़रूर कोशिश करते रहें और उस मुकाम पर पहुँचने की, डेफिनेटली अवार्ड आपका भी है। ओके सर, जैसे हमने देखा है आप मूवी में एकदम अच्छा, आपकी एक्टिंग एकदम बहुत अच्छी है, जैसे आपने काफ़ी मूवीज़ में भी काम किया है हमने देखा है, तो आपके कुछ आने वाले और कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ शेयर करना चाहें आप? हाँ, मेरे अभी लास्ट अभी मेरी मई में रिलीज़ हुई थी राजनंदिनी फिल्म, और मेरे कुछ गाने काफ़ी सुपर हिट हैं, दिल मेरा चाहे 100 मिलियन क्रॉस है, और कुछ वेब सीरीज़ हैं मेरी काफ़ी अच्छी, वो भी 8 मिलियन 5 मिलियंस के ऊपर हैं, और कुछ फिल्में हैं मेरी, लगभग अभी तक मेरी 10-12 फिल्में थिएटर रिलीज़ हो गई हैं, 25 प्रोजेक्ट के आसपास हैं मेरे। कुछ अभी जो फिल्में मेरी आने वाली हैं वो बड़ी दिल के करीब हैं, कुछ एक्शन फिल्में हैं और कुछ एक्शन वेब सीरीज़ भी हैं, जल्दी आपको उससे अपडेट कराऊंगा मैं, अभी नाम तो नहीं ले सकता बिकॉज अभी मना किया है, बट डेफिनेटली बहुत अच्छी वर्क आने वाला है, कुछ साउथ की फिल्म भी हैं एक दो, वो भी डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा, और जल्दी आपके सामने मिलूंगा फिर से भाई के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच।